हेलो गाइस, ऑफिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका अखिलेश। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन में पार्ट टू कवर करने वाले, जिसके अंदर कवर करेंगे लेंथ, ओके, कैर एट फंक्शंस, कैर कोड एट इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ इन लास्ट इंडेक्स ऑफ, ओके। इसका एक्चुअल यूज क्या है, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका हम लोग प्रॉपरली करके देखते हैं। सो मूव इन टू आवर स्टूडियो कोड, डीएस कोड, ओके। यहाँ पे हम लोगों का स्क्रिप्ट सेक्शन लेता हूँ पहले मैं, ओके। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सिंपल, लेट्स नेम इज इक्वल टू डबल कोट दिस पास्ट लाइक बगेस्ट ऑफ ईयर या वेलकम इन August of year. This is functions, string functions. Okay, string function part 2. Okay, तो suppose अगर मैं print करता हूँ like document dot write. Okay, ले output क्या आएगा वो देख लेते हैं। Simple, कोई output नहीं आएगा, simple मैंने नाम pass किया है वो यहाँ पे आएगा, ओके। सेव नहीं हुआ है फाइल, ओके, सेव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, सिंपली वेलकम इन बगेस्ट ऑफ ईयर, दिस इज अ स्ट्रिंग फंक्शन पार्ट टू। इसमें पहला फंक्शन क्या बोल रहा है, लेंथ, ओके। लेंथ मीन्स व्हाट, रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स अभी इसमें कैरेक्टर कितना है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विथ स्पेस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके। सो यू कैन चेक ओवर हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट डाउन नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ, नेम इज वेरिएबल नेम जो एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, ओके। और डॉट लेंथ, डॉट लेंथ थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी फंक्शंस को यूज कर रहा हूँ। तो पहले फंक्शन यहाँ पे क्या है, लेंथ। तो लेंथ क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, अगर आप देख पाओगे तो क्या बोला, 55। पता है ये टोटल कैरेक्टर है विथ स्पेस 55 है, और चेक करना है तो आप इसको एक बार ऐसे करके देख लो, लाइक मैंने इतना कट किया, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो कितना हुआ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 7। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विथ स्पेस, अगर मतलब मैंने इसमें यहाँ पे इतना ही लिया तो इसमें स्पेस कितना आएगा, ये 7 है प्लस 8, 9, 10, तो टोटल जो आउटपुट यहाँ पे क्या आने वाला है, 10। तो स्पेस भी वो काउंट करता है वो, ओके। तो इसको मैं भी लेता बेटा, ओके। फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रहा है, लेंथ मीन्स रिटर्न दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका यूज बहुत आता है जब हम लोग को लॉजिकली कोड देखेंगे या कोई एग्जाम्पल पर दिखाऊंगा उसमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है कैरेट। कैरेट क्या बोलता है, ओके, सपोज द कैरेक्टर मेथड रिटर्न द कैरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स और एनी स्ट्रिंग। जैसे भी आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक मारो पहले, ओके। मैं सेम फंक्शन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या दूंगा, कैर एट, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे पास किया ऑफ 5, एग्जांपल 5 दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे क्या आइटम दिया इसने, एम। तो क्या हुआ, वो ये चेक किया कि देखो ये जो 5 है, 5 नथिंग बट यहाँ पे क्या है, इसका इंडेक्स नंबर है, ओके। और इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये जो 5 पास किया गया, जैसे मैंने यहाँ पे 0 पास करता हूँ, तो 0 में से यहाँ पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू, मतलब इसके जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, डब्ल्यू है। तो हम लोग ऐसे भी चेक करते कर सकते हैं कि मेरे 20 पे क्या कौन सा कैरेक्टर पड़ा है,
तो 20 पे में भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लाइक कैरेट का यूज क्या है, तो ये बोलेगा कैरेक्टर एट, मीन्स मैं जो इंडेक्स नंबर इस पे पास करूंगा तो कैरेक्टर एट मेथड रिटर्न द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स इन स्ट्रिंग, मीन्स जो भी हम यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर पड़ा है। या सिंपल ये बोल सकते हो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं वो उसके पास जा रहा है, जो भी उसका कैरेक्टर पड़ा है वो तो हम लोग को रिटर्न कर रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट है केयर कोड एट। देखो अभी जैसे अभी इसमें क्या बोल सकते हो, रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग द यूनिकोड वैल्यू फॉर एच। अभी देखो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ये क्या रिटर्न किया अभी हम लोग को कैरेक्टर, ये क्या रिटर्न करेगा कैरेक्टर कोड, मीन्स देखो अभी मैं सेम यूज करता हूँ, यहाँ पे केयर कोड दिया ठीक है, पहला मैं जीरो पास करता हूँ, जीरो पास किया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है अब 87 कैसे आया वो समझो, 87 मतलब ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का जो एस्काई कोड होता है वो 87 होता है। जैसे अभी एग्जांपल ले लो स्मॉल ए, स्मॉल ए का या कैपिटल ए का 65 से स्टार्ट होता है इसमें। ओके, तो ये भी आपको आइडिया नहीं होगा तो कैरेक्टर कोड कैसा होता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ समझ जाएगा आपको, मैं जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया मैंने कैप्स ए, तो अभी जीरो इंडेक्स पे कौन आ गया, ओके जीरो इंडेक्स पे कैप्स ए आ गया है, तो अभी कैप्स ए का अगर चेक करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 65। सिंपली यहाँ पे ये बोल रहा हूँ मैं कि ये जो केयर कोड एट है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि जो भी उस इंडेक्स पे करेक्टर है उसका एस्काई कोड क्या है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या है एस्काई कोड क्या है, एस्काई कोड मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में हर कीबोर्ड पे हर की का एक यूनिक कोड होता है बैकग्राउंड में। ओके, वहाँ पे वो कैरेक्टर सेव नहीं होता, वहाँ पे यूनिक कोड सेव होता है, तो वो यूनिक कोड रिटर्न करेगा वो। ओके, तो कैरेक्टर एट में डायरेक्टली कैरेक्टर आएगा और इसी में उसी का यूनिक कोड आएगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्लूड। इंक्लूड क्या चेक करेगा, जो भी हम लोग कैरेक्टर पास करेंगे वो चेक करेगा इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसे दिया, ओके यहाँ पे पास किया इंक्लूड्स और इसमें पास किया जैसे पास कर दिया और स्ट्रिंग, तो देखो इसमें ना इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग है तो सब डेटा इसमें अवेलेबल है, तो अगर मैं इसको चेक करूँगा तो मुझे क्या देगा ट्रू कि डेटा इसमें है। अगर सपोज मैं पास किया स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन क्या है, इसमें स्ट्रिंग वन साथ में कोई नहीं है, लाइक स्ट्रिंग वेलकम है स्ट्रिंग बट स्ट्रिंग वन नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इट्स रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या है इंडेक्स ऑफ, देखो अभी कैरेट क्या दिया था हम लोग को, कैरेट में जो हम लोग इंडेक्स पास किए थे उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर रिटर्न किया था। ओके, उसी का जस्ट अपोजिट है इंडेक्स ऑफ, क्या करेगा इसमें हम लोग इंडेक्स पास करेंगे और उस पे कौन सा कैरेक्टर है वो बताएगा। जैसे अभी देखो कैरेट क्या किया हम लोग, कैरेट में जो भी हम लोग इंडेक्स पास किए उस पे कौन सा कैरेक्टर है, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर पास करेंगे उसका कौन सा इंडेक्स वो बताएगा, मीन्स द इंडेक्स मेथड रिटर्न द पोजिशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू इन स्ट्रिंग। मतलब सिंपल वे में अगर मैं यहाँ पे ई पास करूंगा चेक करने के लिए, लाइक यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ मैंने ई पास किया ठीक है, तो यहाँ पे ई स्टार्टिंग कहाँ पे, इधर ही इसको मिल गया, तो बाद में कहीं भी मतलब नहीं, स्टार्टिंग में उसको जहाँ पे मिल गया उसका इंडेक्स नंबर है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0 1, मतलब यहाँ जो ऑप्ट आएगा वो क्या आएगा
सेव हुआ अपनी कोड और इंडेक्स ऑफ का स्क्रीन लगाऊंगा यहाँ पे, इंडेक्स ओ कैप्स है, ओके इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कैसे सेंसिटिव है इसलिए इसने मिस्टेक किया यहाँ पे। तो इट्स रिटर्न रिटर्न दी इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, जो भी आप कैरेक्टर पास करोगे वो कौन स्टार्टिंग में कौन से इंडेक्स पर आया है उसका आउटपुट आएगा। लाइक दिस यहाँ पे क्या आया वन, जैसे दूसरा एग्जांपल देखना हो तो एक भी अगर सब मैंने बी पास करूँगा, बी इसमें तो एक ही फिलहाल है, या यस पास करता हूँ, चलो यस कहाँ पे है, यस स्टार्टिंग में यहाँ पे है, मतलब लाइक जीरो लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 के आसपास आएगा। लेट्स चेक, सेम नहीं हुआ आई थिंक, यस नाउ 13 14 या 14 14 नंबर पे है, ओके। तो सिंपली दोनों डिफरेंस समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला जो रिटर्न करता है हम लोग इसमें इंडेक्स नंबर पास करते हैं, इंडेक्स के बेसिस पे कौन सा कैरेक्टर है वो बताएगा, उसी का जस्ट अपोजिट इसमें हम लोग कैरेक्टर पास करेंगे वो उसका इंडेक्स बताएगा। और ये लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, ए इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इसका जो सर्चिंग का वे है वो लेफ्ट टू राइट करता है, ऐसे सर्च करता है, ओके। और जो लास्ट इंडेक्स है वो इधर सर्च करेगा, ओके। जैसे अगर मैं इसी एंड पॉइंट को लास्ट इंडेक्स बोलूंगा, लाइक लास्ट इंडेक्स ऑफ एस, तो इसमें लास्ट इंडेक्स को एस कहाँ मिला, इधर मिला, ओके। इसका एस मतलब इंडेक्स यहाँ से काउंट होगा, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 काउंट यहाँ से होगा, वो तो सर्च बैक साइड से करेगा वो, ओके। तो इसका पोजीशन क्या है अगर देखने जाओगे आप तो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अप्रॉक्स 20 के आसपास आएगा, जैसे आप चेक करो सॉरी 32, मतलब उसका जो पोजीशन है बैक साइड 32 है, मतलब इसका जो सर्चिंग हुआ वो इस साइड सर्च हुआ, या अगर सर्च टेक्स्ट छोटा करके देख सकते हो, देख लो, ओके मैं वेलकम लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ई, ओके। अब ई इधर भी है, ई इधर भी है, बोलो इसका आउटपुट देगा, मतलब कितना देगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 का कुछ 7 आएगा लास्ट में, 6 6 कैसे है भाई, लेट्स चेक 1 2 3 4 5 6 सो राइट, 6 6 की पोजीशन पे है वो, तो राइट है वो, ठीक है। ये समझ में आया पार्ट, तो इस दिनों में अभी डिफरेंस क्या है, थोड़ा थ्योरी प्रॉपर देख लो। लेंथ क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट लेंथ ऑफ टेक्स्ट, कैरेक्टर क्या रिटर्न करेगा, जो भी आप इंडेक्स पास करोगे उस पर कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर कोड जो भी इंडेक्स पास करोगे उस पर कैरेक्टर है बट उसका स्काई कोड क्या है रिटर्न करेगा, इंक्लूड जस्ट चेकिंग ये डेटा स्ट्रिंग अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो ट्रू एंड फॉल्स। इंडेक्स ऑफ रिटर्न ये करेगा कि जो हम लोग इंडेक्स पास करेंगे उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, राइट। सिंपली जैसे मैंने इसमें 5 पास किया तो 5 पे कौन सा इंडेक्स ऑफ लाइक कैरेक्टर पास किया उस पर वो कैरेक्टर किस इंडेक्स पर पड़ा है, ओके। सेम लास्ट इंडेक्स, इसका सर्चिंग कैसा है बैक साइड से, तो इस इंडेक्स ऑफ में इन कैरेक्टर एक्ट में कन्फ्यूजन ना करें, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, और आपको मैं ये जो एग्जाम्पल कोड है वो कोड के लिए मैं भी एक साइट बन रहा है, तो वहाँ पे आपको सब प्रैक्टिस तो सारे प्रोग्राम के प्रैक्टिस कोड मिल जाएंगे, ओके। तो तब तक आप प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।